सोनल रावत और डॉक्टर सुमित्रा रावत जी को तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सोनल रावत जी आ जाइए, शी इज अ वॉलंटियर ऑफ हमारा समर्पण ट्रस्ट। सोनल रावत जी एंड डॉक्टर सुमित्र रावत जी का अवार्ड आप लेंगे। हमारे साथ हैं पीके मिश्रा जी, जिन्हें आज राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। बेसिकली ये यूपी पुलिस में क्राइम देखते थे आप, उसमें क्राइम में थे सर, तो कैसा लग रहा है सर आज आपको अवार्ड दिया गया? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक यूपी न्यूज़ के द्वारा आज विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग अपनी विधा में पारंगत हैं उनको सम्मानित किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की एक एलीट एजेंसी एसटीएफ में कार्य किया हूँ काफ़ी समय तक, और मैं उसका फाउंडर मेंबर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज की सेवा के लिए हैं, उसके लिए आज एकेपी न्यूज़ ने हमें सम्मानित किया है। मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है। क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वो कैसे अपने आप को सेफ कर लेते हैं, कैसे उनको पकड़ा जाए, क्योंकि आप बेसिकली क्राइम देखते थे? हाँ, बेसिकली मैं क्राइम देखता था, और क्राइम में भी जो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं यूपी पुलिस में, वो चाहे जंगल का क्राइम हो, चाहे कोई सिटी का फाइनेंशियल क्राइम हो, इस पर हम लोग काम किए हैं काफ़ी समय तक, और इसके लिए हमें सम्मानित भी पहले भी किया जा चुका है राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और एसटीएफ को इसमें बहुत ही महारत हासिल हुई है, चाहे वो अपराधी माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, वाइल्ड लाइफ क्राइम हो, इन सभी पर एसटीएफ ने वर्क किया है और सभी से राहत मिली है। तो सर अभी आप सेवानिवृत्त हैं, फिर भी आप सुनने में आ रहा है कि आप अभी भी चूँकि मैं इस एजेंसी का एसटीएफ का फाउंडर मेंबर रहा हूँ, 20-22 साल तक मैंने काम किया है, तो विभाग मेरे इस इतने दिन तक काम करने की वजह से मेरी सेवाओं को अभी भी ले रहा है, और मैं एसटीएफ को अभी भी अपनी सेवा दे रहा हूँ।